हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में पढ़ा जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए और साथ ही उसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है और साइटोप्लाज्म का जो डेंसिटी होती है यानी उसका कंटेंट भी बढ़ता है जिससे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर पाए डिवीजन के लिए। अब उसके आगे की फेजेस हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एम फेज और मेन एम फेज में ही जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। जल्दी सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस जिसको मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है, माइटोसिस ऑलवेज प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स क्या होती है, अगर आप जानते हैं ह्यूमन सेल में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं यानी हर क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है, तो अगर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को डिप्लॉयड सेल कहते हैं। और जनरली जो माइटोसिस डिवीजन है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डिवीजन है वो क्या है, माइटोसिस है। और दूसरा नंबर है मियोसिस का, इसको माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। ये हमेशा गैमेट्स में होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स हैं तो अगर गैमेट्स में ये डिवीजन होता है तो 46 से 23 हो जाएंगे और कोई भी क्रोमोसोम पेयर में नहीं रहेगा, और अगर पेयर में नहीं है उसे हैप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड कंडीशन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेल डिवीजन में सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है माइटोसिस। माइटोसिस में आइए, इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि अगर पेरेंट सेल डिवाइड करती है उससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स मतलब जो न्यू सेल्स बनती हैं वो एकदम पेरेंट सेल की आइडेंटिकल होगी, एकदम पेरेंट सेल की आइडेंटिकल होगी और साथ में इनमें क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा और हर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम ही होगा। इसके आगे चलते हैं, माइटोसिस में दो फेजेस होती है। माइटोसिस contains two phases, first karyokinesis and second cytokinesis. Karyokinesis क्या होता है, karyon यानी न्यूक्लियस, यानी first karyokinesis में न्यूक्लियस का division होगा और second cytokinesis में cytoplasm का division होगा। Karyokinesis में न्यूक्लियस का और cytokinesis में cytoplasm का division होगा और इन दोनों phases में सबसे पहले हम पढ़ेंगे karyokinesis। Karyokinesis क्या है, जो काइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है और इसमें फोर कॉन्टिन्यूस फेजेस या स्टेप्स होते हैं, फोर कॉन्टिन्यूस फेजेस या स्टेप्स होते हैं जो न्यूक्लियस, जिसके थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साथ में ये प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलर ही एक तरीके से ही होता है। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस में फोर स्टेप्स क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर हमें कहा जाए कि नेम वन स्टेप इन कैरियोकाइनेसिस इन विच क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल, सबसे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कौन सी फेज है, तो वो मेटाफेज होती है क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे कलेक्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम की स्टडी भी मेटाफेज स्टेज में ही की जाती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। और इन फोर फेजेस में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोफेज। अब आपका फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज। प्रोफेज यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बना लिए हैं, ये साइड एनिमल सेल का है और ये साइड प्लांट सेल का है। जैसे कि मैंने बताया ये फेज दोनों में, इसके पहले ही मैंने बताया कि ये फेज दोनों में एक जैसे ही होती है, तो उसके स्टेप्स हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअल में प्रोफेज में दो स्टेजेस होती हैं, एक अर्ली प्रोफेज होता है एक लेट प्रोफेज होता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ये जो दो डायग्राम्स हैं वो अर्ली प्रोफेज के हैं और ये जो दो डायग्राम हैं वो लेट प्रोफेज के हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें ये हैं सेंट्रियोल्स,
यानी जिसको आप सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, अभी अननोन है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन उसमें कैसे होता है, सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, यानी वो एक से दो हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टिंक्टली विजिबल है और क्रोमोसोम उसी के अंदर सारे के सारे अरेंज्ड हैं। ऐसा ही एनिमल सेल में भी देख, प्लांट सेल में भी आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली विजिबल है और जितने क्रोमोसोम हैं सारे के सारे उसी में अरेंज्ड हैं। ये जो आर्म्स देख रहे हैं इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं, ये आर्म्स, और देख रहे हैं एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम है तो उसमें फोर आर्म्स है, 1 2 3 4। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये अलग हो जाते हैं, तो एक को यानी अगर एक इसके बाद सेपरेशन के बाद ये इसमें एक आर्म बचती है, एक आर्म इस तरफ एक आर्म इस तरफ, तो ऐसे को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी आप कह सकते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, जो एक दूसरे से अटैच होके फोर आर्म्स का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पे ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। जिस पॉइंट से ये दोनों आर्म्स, चारों आर्म्स अटैच होती हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। यही प्लांट सेल में भी होता है और यही एनिमल सेल में भी होता है। ये था आपका अर्ली प्रोफेज, जिसमें जो क्रोमोसोम्स थे वो न्यूक्लियस के अंदर ही अरेंज थे। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में आपने देखा होगा कि जो एस्टर्स थे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पर दिख रहा है वो एस्टर हैं, और जिसे जो जो हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं डिसअपीयर हो रही है धीरे धीरे, और जो सेंट्रोमियर है जिनसे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थी वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गई। और सेम कंडीशन आप प्लांट सेल में भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो चुका है। ठीक है, अब स्टेप वाइज फिर से पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी सेंट्रियोल्स क्या होती हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करती हैं डुप्लीकेशन के बाद। दूसरा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट एंड बिकम डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं और एकदम डिस्टिंक्टली विजिबल यानी अच्छे तरीके से दिखाई देने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड स्टेप, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैचेस टू ईच अदर एट ए स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक रीजन में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं जो सेंट्रोमियर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल के बीच में ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर है। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा गया और न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई है उसी के साथ ही न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाती है। यानी अर्ली प्रोफेज में आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चेंज नहीं होता, लेकिन लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाती है। ये था आपका प्रोफेज। अब नेक्स्ट फेज जिसको मेटाफेज कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में जैसा कि ये डायग्राम है आप देख रहे होंगे, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। आप देख रहे होंगे कि स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली हो चुका है, साथ में जितने क्रोमेटिड्स हैं वो सेंटर पे कलेक्ट हो गए हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेटाफेज ही ऐसी फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स की स्टडी प्रॉपरली की जाती है, क्योंकि इसमें वो बहुत ही डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल बाय सेंट्रोमियर, यानी
जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर में अटैच हो जाते हैं। दूसरा, क्रोमोसोम लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। ये जो मेडल की लाइन है ठीक बीच में इकट्ठा हुए हैं उसे इक्वेटर कहते हैं। तो जितने क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे इस इक्वेटर पे लाइन अप हो जाते हैं, इसलिए वो डिस्टिंक्टली विजिबल भी होते हैं। उसके बाद इसके बाद की जो फेज है वो एनाफेज है। एनाफेजेस को भी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ली एनाफेज पढ़ेंगे। तो ये है अर्ली एनाफेज का डायग्राम। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होना स्टार्ट हो गई हैं। दैट मींस स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके अपनी तरफ खींच रही है। सिंपली क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड्स। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो वो उसको स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल की तरफ खींचे। दूसरा, सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टार्ट सेपरेटिंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, यानी ये अपोजिट पोल की तरफ सेपरेट करना, अलग होना स्टार्ट कर देती हैं और उनको अपोजिट पोल पे पुल करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। और ये था आपका अर्ली एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होता है, लेट एनाफेज में इन सेल्स में हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरीके से बन जाता है। दोनों सेल्स में हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है इस तरीके से। कॉन्स्ट्रिक्शन और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मैक्सिमम पहुंच जाती हैं दोनों सेल में, और इस तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है जिससे सेल में, यानी सेल दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा किसमें होता है, लेट एनाफेज में। फिर से सुन लीजिए, लेट एनाफेज में दो कॉन्स्ट्रिक्शंस बन जाते हैं एनिमल प्लांट सेल में, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो सेंट्रियोल्स के पास पहुंच जाती हैं, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन हेल्प करता है किसी भी एक सेल को दो सेल में डिवाइड करने पे, क्योंकि धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब आगे, इसके आगे टीलोफेज है, हम टीलोफेज पढ़ेंगे। अब आपके नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। यह है एनिमल सेल की टीलोफेज और यह है प्लांट सेल की टीलोफेज। इसके पहले मैंने बताया कि एनिमल सेल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस का फॉर्मेशन होता है जिनको फोरो कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल में कॉन्स्ट्रिक्शंस का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता है। उसमें एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको सेल प्लेट कहते हैं, और ये धीरे धीरे डीप होती चली जाती है। अब होता क्या है टीलोफेज में, फर्स्ट डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, यानी जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और ये जो फर्क होती है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको मैंने कहा था वो डीप होती चली जाती है, जिससे ये दोनों सेल्स बाद में सेपरेट हो जाती हैं। दूसरा, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो गए हैं। तीसरा, क्रोमैटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पहले वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, आप देख रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, और जो न्यूक्लियस होती है वो भी रीअपीयर हो जाती है। साथ में जो क्लीवेज फरो है वो धीरे धीरे डीप होके वो इसको दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। साथ में सेल प्लेट धीरे धीरे वाइडन होके इसको दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देती है सेल प्लेट। ये था यहां तक आपका कैरियोकाइनेसिस, जहां तक न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, सीधे सीधे साइटोकाइनेसिस। इसमें टू डॉटर सेल्स सेपरेटेड, इसमें सीधे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल्स क्या होती है, इस तरीके से सेपरेट हो जाती है। यानी यहां तक क्या था आपका कैरियोकाइनेसिस, यहां तक कैरियोकाइनेसिस जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके बाद के जो स्टेप्स दिखाए गए हैं वो आपका साइटोकाइनेसिस का है, जहां पर साइटोप्लाज्म
सेपरेट होता है और दो डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ये था आपका सेल डिवीजन यानी माइटोसिस।